all, this is Vinita Kumar, and you're watching me on India.com. So, in the Valentine's Week special today, I have with me an extremely talented Marathi superstar with his super special love story. Please welcome Mr. Subodh Bhave with his lovely wife, Manjari Bhave. Subodh and Manjari, welcome on India.com. Thank you. Thank you so much, and happy Valentine's Day to all. Thank you. So, you know, Subodh and Manjari, 20 years, 20 saal. हो गया है शादी को. You two have been together over 20 years. So how does it feel when you two just look back? 20 years of togetherness. More than 20 years of togetherness. Yeah. We've been married for 20 years now, next year. So we got married in 2001. Right. But we together with each other 10 years before that. Oh my gosh, so, 30 years. Yeah. So we're high school, school sweethearts, not in the same school. But yeah, since school, we know each other, and we've been in love since then. That's just so lovely to hear. Childhood puppy love at that time. But yeah, as we grew older, our love matured as well, I guess. Yeah. So Subodh, साथ में मतलब of course 30 years आप साथ में रहे हैं. बहुत struggle देखा होगा साथ में Manjari ने, और बहुत challenges भी face किए होंगे. कोई ऐसा tough time जो आपको याद हो कि you know when you realized कि this is the woman I am going to be with, और ये मेरे साथ है all the time. Actually ऐसा कुछ मतलब एक moment नहीं है. जब से मैंने उसको पहली बार देखा, शायद हम दोनों school में थे. मैं 10वीं में था, ये 8वीं में थी. तो तब से उसके बाद एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे कोई दूसरा ख्याल मन में आया कि मैं मतलब Manjari को छोड़ के किसी और के साथ मैं मेरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ. तो ऐसा एक भी मोमेंट मेरे लाइफ में नहीं है. मतलब जब से Manjari को मैंने प्रपोज किया और उसने हाँ बोला, तब से हम लोग एक साथ है. और तब तो हम लोग बहुत ही छोटे थे, मतलब स्कूल में थे, मैच्योर थे. प्रपोज करने के बाद जब उसने हाँ कहा, तब आगे जाके क्या करना ये पता नहीं था. तो हाँ ठीक है, चलो आगे क्या करना. तो करना तो एक दूसरे के साथ ही शादी है. लेकिन शादी के लिए भी उसके पहले उसका स्कूल खत्म हुआ, फिर वो कॉलेज में गई, उसके बाद उसके पेरेंट्स कनाडा शिफ्ट हो गए, तो वो भी कनाडा शिफ्ट हो गई. तो 5 साल वो कनाडा में थी, मैं यहाँ पे था. तो हमने 5 साल तक एक दूसरे को देखा भी नहीं था. तो हम तो लेटर्स के थ्रू एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते थे, क्योंकि उस टाइम पे इंटरनेट नहीं था, उस टाइम पे व्हाट्सएप नहीं था, मोबाइल फोन नहीं था, कुछ नहीं था. तो मुझे मुझे हर बार जब मैं उस मोमेंट्स को सोचता हूँ या उस पल को याद करता हूँ, तो मुझे मुझे लगता है कि Manjari को छोड़ के दूसरी कोई भी लड़की के साथ शायद मैं इतना समय बिता नहीं सकता, क्योंकि Manjari और उसके उसके मतलब उसको पहली बार देखने के बाद मैं पूरी तरह से उसके लिए पागल हो गया था. लव एट फर्स्ट साइट था क्या सुबोध? या तो ये जो प्रपोजल Manjari जो सुबोध जी ने बताया है, डू यू रिमेम्बर द प्रपोजल? हाउ वाज इट लाइक? या टोटली. सो वी were together in a drama school जो पुणे में काफी सारे बाल नाट्य संस्था होते हैं, like you know children's play का summers में वो होते हैं plays in different theaters and all. So we were part of that संस्था, both of us, and then one day, and we were friends for a few days before that. So yeah. One day he came up when we were in school. वो छोटे छोटे कलरफुल ऑटोग्राफ बुक्स मिलते थे, रिमेम्बर? स्लैम बुक्स, या वो छोटे छोटे भी मिलते थे. तो आई हैड पास्ड ऑन माय ऑटोग्राफ बुक टू एवरीबॉडी टू यू नो फॉर एवरीबॉडी टू राइट राइट समथिंग. तो सुबोध हैड रिटन फॉर मी, ही हैड सेड, ही हैड रिटन, शुगर इज शुगर, सॉल्ट इज सॉल्ट, इफ आई लव यू व्हाट इज माय फॉल्ट. ओह माय गॉड. तो ये उसने लिखा था. फिर जब मैंने देखा उसको, सो आई सेड कि व्हाट इज दिस, do you really mean what you've written? So he said, yeah, I mean it, what is your answer? So maine usko bola ki there is Pune is a city of bridges, kafi sare bridges wahan pe, aur log wahan pe couples, school students, college students wahan pe ghumne kafi aate hain. To maine usko bola agar main 4 din baad Balgandharva ke bridge pe aayi to samajh lena ha, warna na.
Look at you two, it's such a filmy love story. Totally filmy. So पता नहीं वो चार दिन मैंने क्यों लिया था because you know when even when I saw him I said yeah this guy is really cute this guy is really nice and I think I would have said yes to him right away but I don't know why I took those 4 days at that time. No, and but then, yeah, I know because you can't just instantly say yes. You know, आपको थोड़ा सा भाव अपना बनाना पड़ता है. Maybe. Yes. Later I went on that Balgandharva bridge and then we just assumed yeah we are girlfriend boyfriend for now. लेकिन इसके बाद आज सुबोध की करना क्या होता है वो तो पता नहीं था because this was 1991. Right. And you know like and how young were you? I was in 8th and he was in, he had just finished his 10th standard exams. Right. And so I was board exams पे कुछ भी focus नहीं था. वो बस उसका बोर्ड खत्म हो गया था. ओके ओके सो इज ही रोमांटिक मंजरी रोमांटिक है सुबोध. या ही इज रोमांटिक. आई थिंक शादी से पहले या आई मीन ऑल वाइव्स वुड से दैट शादी से पहले बहुत ज्यादा था एंड सिंस वी हैड अ लॉन्ग डिस्टेंस लव स्टोरी फॉर यू नो रिलेशनशिप फॉर ऑलमोस्ट 5 years तब तो बहुत सारे कार्ड्स बहुत सारे गिफ्ट्स बहुत सारे फ्लावर्स बहुत सारे चॉकलेट्स बट या नाउ आल्सो इन अ व्हाइल वंस और ट्वाइस ही डज समथिंग व्हिच इज जस्ट आउट ऑफ द वर्ल्ड एंड यू नो देन आई थिंक कि बस बाकी कुछ नहीं चाहिए. या सो ओके सो मंजरी व्हाट इज द मोस्ट रोमांटिक थिंग सुबोध हैज डन फॉर यू. हैव यू लेकिन वो जब बिना मांगे मिल जाता है तो वाई नॉट एंड ऑल्सो वेन एवर ही गोज आउट ऑफ टाउन फॉर शूटिंग ही मेक्स श्योर दैट विदाउट मी टेलिंग हिम ही बाइज मी अ साड़ी from that particular city. Okay, okay. So Subodh, एक चीज जो आप definitely मतलब आपको पता है मंजरी को annoy करेगा ही करेगा and yet you do it. मतलब आपको वो करना है ताकि आप मंजरी को वो expressions दिख सके. नहीं, उसको annoy होने के लिए मैं करता नहीं हूँ. मैं तो बस करते रहता हूँ. तो ऐसी बहुत सारी चीज है, एक नहीं है. लेकिन मतलब शूटिंग करने के बाद घर पे ना आके दोस्तों के साथ बाहर जाना. और घर में आने के बाद टीवी देखते रहना. तो ये कुछ चीजें हैं जिसके बाद मतलब मंजरी का चेहरा पूरा बदल जाता है लेकिन मैं उसको अभी कुछ कर नहीं सकता. ओके सो मंजरी एक चीज जो इफ यू कुड जस्ट चेंज एक चीज फ्रॉम सुबोध्स पास्ट व्हाट कुड दैट बी. आई थिंक his decision to come in this field so late maybe agar usko usne uske pehle kafi cheeze try kiya usne e-commerce ka course kiya usne it mein job kiya usne salesman ka job kiya to ye sab na karte if he could come here sooner maybe he is the best right now as well but uska jo struggle tab tha to wo thoda sa kam ho pata maybe. राइट राइट. सुबोध कोई ऐसा निकनेम है मंजरी के लिए जो आप बोलते हैं? मंजा 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 मीन समथिंग इन मराठी लाइक और द पतंग वाला मंजा. वैसे छोटा द नेम को हम छोटा कर देते हैं. अच्छा उसको या कर देते हैं. और दूसरा है उसको मालक मालक बोले तो ओनर. अच्छा मालिक ओनर ऑफ माय लाइफ. राइट राइट तो हम तो नौकर हैं ये तो मालिक है. दैट्स सो स्वीट दैट्स सो स्वीट. मंजरी कोई you know I mean I'm sure because Subodh has a tremendous fan following and you know super successful hai wo jo bhi karte hain people love him and you know to ab bahut awards bhi hain Subodh ke naam kuch koi aisa moment jab aapko laga you know this is my man this is my husband. So when I saw his film Balgandharva I went in the preview theater to watch the film. If you do get a chance to watch that film as well. So उसमें सुबोध ने पोर्ट्रे किया है he's played the role of Balgandharva ji who was पुराने जमाने he's a Marathi theatre artist
एंड उन्होंने काफी स्त्री पात्र लाइक फीमेल रोल्स उस जमाने में फीमेल्स वर नॉट अलाउड टू एक्ट, तो बाल गंधर्व ने काफी सारे फीमेल रोल्स किए हैं एंड नाट्य संगीत के ऊपर यू नो. तो जब वो सुबोध की एंट्री आई उसमें एंड व्हेन ही वाज इन द सारी वो बाल गंधर्व की फीमेल पोशाक में था एंड ही वाज लुकिंग सो प्रिटी, ही वाज लुकिंग सो डैम प्रिटी एंड दैट वाज अ मोमेंट व्हेन आई सेड दिस इज माय हस्बैंड. ओके ओके सुबोध, एक चीज आपसे पूछनी है कि जब आप ऑफ कोर्स यू आर इन अ पोजीशन टू चूज स्क्रिप्ट, यू आर इन अ पोजीशन टू नाउ यू नो चूज योर ओन फिल्म्स एंड शोज, जब आप कुछ चीज पढ़ते हैं या चूज करते हैं अपने लिए, डू यू थिंक कि मैं ये करूंगा तो मेरी वाइफ पे क्या इम्पैक्ट होगा या मेरी फैमिली पे क्या इम्पैक्ट होगा, यू नो लाइक यू हैव टू डू इट, लाइक डू यू टेक दैट डिसीजन थिंकिंग योर फैमिली इन माइंड, अपनी फैमिली या वाइफ को? यस. So a lot of times you have said no to parts and films जहाँ पे आपको नहीं लगा कि this is right for my family or wife. हाँ, scenes कुछ अगर film में अगर कुछ scenes हो या कुछ film ही इसके ऊपर हो तो definitely वो तो मैं करता ही नहीं हूँ. और हाँ मतलब family के बारे में, मंजरी के बारे में, बच्चों के बारे में, तो मैं नहीं चाहता कि मेरा काम देखकर कोई मतलब उनको awkward लगे या वो comfortable feel ना करे. right. तो अगर मैं कोई इंटीमेट सीन भी करूं तो मंजरी को और मेरे बच्चों का ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बहुत गंदा है. उनको मतलब वो सीन भी उनको अच्छा लगे तो मैं वो जरूर करूंगा, लेकिन अगर वो अच्छा नहीं लग रहा है, अगर वो अच्छा स्क्रिप्टेड नहीं है तो मैं उसको नहीं करूंगा. डू यू किड्स नो अबाउट योर लव स्टोरी, बचपन का प्यार? Yeah. Oh God, yeah, they do. And my son is the same age at that, you know, right now that when we fell in love, so it's a little scary ki baap re, hum log to hamari to naiya tar gayi, you know, paar ho gayi naiya. Yeah. Abhi wo same pe hai to thoda sa tension. Right. So you know, Valentine's week hai, Subodh and Manjri. Is there anything you want to say to your fans? See, Subodh is so tired, and for the people who are, you know, just watching this, let me tell you, this interview is happening at 10:30, 10. So this is why he's not tired, because of my questions. मैं कोई boring questions नहीं पूछ रही हूँ. वो genuinely tired. No, exhausted. No, I was. He's been traveling all day, and right. he has just come there for today and tomorrow. और वो भी shooting है Daily Soap का Mumbai में, इसलिए. And he's going back for again for another 10 days. Thank you so much. Thank you so much for just, you know, just squeezing this time. Thank you. Thank you. मतलब तुम्हारी वजह से हमने at least Valentine's Day Zoom पे क्यों ना हो, लेकिन हमने celebrate तो किया. Yes. 14 तारीख. That's so nice. No, but no. ये celebration नहीं है मंजरी. You have to, you know, just take some gift from him. और आप. आया वैसे I'm a काफी दुष्ट wife, you know, like थोड़ा सा दुष्ट मैं. जो भी मुझे चाहिए होता है, the you know the moments that I have to have, वो मैं कैसे भी उसको you know छीन लेती हूँ या वो निकाल ही लेती हूँ. Ask men, Manjri, they would tell you that all wives are dusht. Oh, good, great. Right, so thank you so much. It was so nice, so fun having you both together. Thank you, and all the best. Thank you so much. Bye bye. Bye. Thank you.